नमस्कार, मैं हूं जिया और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बेलगाम हुई चाकघाट थाने की कानूनी व्यवस्था। थाने से फरार हुआ चोरी का आरोपी। मीडिया से बात करने से कतराते रहे थाना प्रभारी प्रवीण उपाध्याय। चाकघाट थाना क्षेत्र इन दिनों चोरी, लूट, हत्या जैसी घटनाओं के लिए चर्चित होने लगा है। बेखौफ बदमाश घटनाओं को अंजाम देकर क्षेत्र में सनसनी फैलाते हुए कानूनी व्यवस्था को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। लोगों का आरोप है कि थाना क्षेत्र में अवैध रूप से शराब, गांजा, उत्खनन, परिवहन सहित विभिन्न प्रकार के अवैध कार्य हो रहे हैं। आरोप यह भी है कि थाना प्रभारी द्वारा पैसे लेकर अपराधियों को संरक्षण देते हुए कार्यवाही में लीपापोती की जा रही है। ताजा मामला चाकघाट नगर परिषद में पंप हाउस से आया है, जहां चोरों की नजर स्टोर में रखे सौर ऊर्जा की नई बैटरियों पर पड़ी। नगर परिषद की सीएमओ रूपाली द्विवेदी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि 7 नग बैटरी चोरी हुई है, जिसके संबंध में कार्यवाही हेतु थाना चाकघाट को शिकायत की गई। अगर बात करें 7 नग बैटरियों के कीमत की, तो करीब 1,00,000 रुपए बताई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त मामले में 25 सितम्बर को चाकघाट पुलिस द्वारा 2 स्थानीय व्यक्ति शंकर हरिजन, सोनू मांझी को गिरफ्तार किया गया था, जिनके द्वारा चोरी करना स्वीकार किया गया। पूछताछ के उपरांत कबाड़ व्यवसायी से जुड़े यूपी के बबलू नाम के व्यक्ति को भी थाने लाया गया। वही 26 सितंबर की शाम 24 घंटे के बाद सोनू नाम का एक आरोपी थाने की अव्यवस्था के कारण फरार हो गया, जिससे चर्चा का बाजार गर्म है। वहीं 2 आरोपियों में से एक आरोपी शंकर हरिजन 27 सितंबर को भी गिरफ्तार रहा। जब इस विषय पर सटीक जानकारी के लिए मीडिया की टीम चाकघाट थाने पर पहुंची, तो थाना प्रभारी इस विषय पर बात करने से कतराते रहे और यहां तक कि उन्होंने मीडिया कर्मियों का कैमरा भी जबरन बंद करवा दिया। ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं द खबरदार न्यूज रिपोर्टर की यह रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। बरामदगी का प्रयास हो रहा है, बरामद नहीं। चोर पकड़े गए हैं? चोर नहीं, संदेही। लेकिन भाई आप वरिष्ठ अधिकारियों से ले चुके नहीं? आपके क्षेत्र का मामला है तो उसमें जानकारी दीजिए। पहले पर तो उसको बंद कीजिए। यदि बरामदगी हो जाती है, एक काम करिए जल्दी। तो अभी जैसा हमने चाकघाट पंप हाउस में जो बैटरी चोरी हुई थी, उसमें इंफॉर्मेशन के लिए हम यहाँ चाकघाट थाने में आए थे। चाकघाट थाने के जो ऑथराइज पर्सन हैं, उन्होंने हमको जानकारी दी। कुछ पंजन भी हैं जो इस चोरी में शामिल थे या आरोपी हैं, उनके पंजन आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो बताइए आप यहाँ क्यों आए हैं? हम जहाँ को आईडी उडी फोटोकॉपी कर लीजिए, मैं यहाँ चाकघाट में था। हां, हमने चेकअप चलाया है, मैं यहीं था और बाकी हमसे कोई बात नहीं। अच्छा, तो अभी आप जिनसे मिलने आए हैं कहाँ हैं वो, क्या नाम है उनका? नाम उनका भोले भोले बोलते हैं। अच्छा,